बैडमिंटन खेलना या कुछ ऐसा तो वो भी हम आपको दर दर पहले लेकिन आपकी घेराबंदी चाहिए पहले आपकी लेवलिंग पहले आपकी लेवलिंग चाहिए लेवलिंग फेंसिंग उसके बाद फेंसिंग के हो जाए क्योंकि देखो जब वो कट होगा ये भी माल इधर आए फिर आपको लेवलिंग चाहिए इसके

कि स्टेडियम की जगह लोगों ने कुछ डोनेट की है तो उसी हिसाब से हम पेपर शेपर अपने सेट करेंगे लोगों से मिले सरपंच भी हैं इधर पेंचेज भी हैं कुछ और उस हिसाब से हम इनके अब हमने मेजरमेंट डाटा शाटा उठा लिया और कोशिश करते हैं कि जल्दी इनका स्टेडियम के कागज़ सबमिट कर पाए हम क्या पास है इसके लिए भी हम लेटर शेटर निकालते हैं आज ही फ़ोन करते हैं उनको क्यों सुस्त पड़ा है काम इनका ये आज ही मेरे नोटिस में भी आप लोगों ने लाया तो हमें कोशिश है कि हम जल्दी से जल्दी इसको भी स्टार्ट करें और ये भी साथ साथ चले ताकि लोगों को फ़ायदा हो ठीक खुशी की बात है और यह मैडम शमशाद की मेहरबानी से उसकी मेहनत से इसमें फिर दोबारा काम शुरू होने जा रहा है ये काफ़ी अरसा से कम अरसा से कम दस साल से जगह बेकार पड़ी है ज़िम्मेदार ने डोनेट की है लेकिन किसी ने इस तरफ तो आज तक नहीं दी तो आज ये आए हैं स्पोर्ट्स वाले इन शहद है बहुत जल्द इस पर काम शुरू हो जाएगा पहले लेवलिंग सेवलिंग कर रहे हैं उसके बाद फेंसिंग हो जाएगी तो उसके बाद बाकी प्रास जो है वो चलता रहेगा जी इस पर तो ठेकेदार से काफ़ी बार हमने इस है और फिर भी और कर भी रहे हैं इन शल्द काम जल बहुत जल्द इस पर काम शुरू शुरू करेंगे दुगनी और रात दुगनी मेहनत करके ये काम जो कर रहे हैं प्रोजेक्ट जो बना रहे हैं दे आपने देखा रात को भी महकमा पावर प्रोजेक्ट जो बना रहे हैं आपने देखा रात को भी महकमा पावर डिपार्टमेंट के तर जानब से मतलब जो हमारे उधर चिंजाड़ में मतलब वो आए थे मतलब उनके लिए उनका मुबारक देते हैं उसके बाद जो आज ये एक टीम आई है हमारे पास जो सपोर्ट की तरफ से तो इनको भी अप्रीशिएट देते और मैडम जी को भी देते हैं तो इनसे हमारी ये बात हुई कि सबसे पहले हमारे पास लैंड अवेलेबल है इंडोर स्टेडियम के लिए और आउटडोर स्टेडियम इंडोर स्टेडियम का जो है हमारे पास काफ़ी रकबा है और उसके लिए ये जो है कह रहे हैं कि हम जल्दी इसका टडर करवाएंगे लेवलिंग का और फेंसिंग का तो उसके बाद हमने इनसे बात की कि कम से कम जो लैंड लूज़र हैं जिनको मतलब ज़मीनें जाती हैं तो कम से कम एक्जिशन तो उसके लिए उन्होंने कहा कि पूरी कोशिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम टेकअप करेंगे ये जम्मू कश्मीर गवर्नर से करेंगे तो और इन इन लोगों को जो है मुआवजा जरूर मिलेगा जिनकी जमीन है। और कोई भी बेनिफिट जो होगा वो इन्हीं जमींदारों को होगा जो मतलब एज पर डिपार्टमेंट के लोगों ने बोला देखिए आप जो मतलब जो जो आज ऑफ़िसर आए हैं ये तो किसी न किसी आदमी ने इनको भेजा हुआ है ये तो चेयरपर्सन का कमाल है जिन्होंने कम से कम इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिले और चीफ सेक्रेटरी साहब से मिले और आला ऑफिसर जो हमारे सपोर्ट्स के उनसे मिले तो इसी तो ये टीम यहाँ पर आई और इसीलिए इसका टेंडर हो रहा है और विद इन नो टाइम इन्होंने कहा कि विद इन नो टाइम हम इसका टेंडर करवा रहे हैं जो आउटडोर इंडोर स्टेडियम में इसका टेंडर इसके लिए पचास लाख रुपये जो है अवेलेबल पड़ा हुआ है जो मैडम जी ने बड़े मुश्किल से और बड़ी मेहनत से लाया हुआ है और जिसका टेंडर इन नो टाइम हो रहा है और मुझे लग रहा है कि एक दो हफ्ते